नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेम न्यूज़ में। आज तारीख है 26 जुलाई 2020, तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। हिमाचल में कोरोना 2000 के पार, अब तक 58 नए मामले, बद DSP ऑफिस सील। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। आज अब तक 58 नए मामले सामने आए हैं, इसमें सोलन में 31, सिरमौर में 15, चंबा में 7 और ऊना में 5 मामले सामने आए हैं। वहीं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 2012 पहुंच गया है। अभी 838 एक्टिव मामले हैं, अब तक 1150 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मामलों में सोलन जिला नंबर 1 पर है और एक पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव आने के बाद SP पुलिस ऑफिस बद्दी भी सील कर दिया गया है। SHO बरोटीवाला सहित 21 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। सोलन जिला में पिछले 24 घंटों में 69 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। BBN में 26 जुलाई से लॉकडाउन, 41 ग्राम पंचायतों में रहेगा पूर्ण कर्फ्यू। प्रदेश सरकार ने सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में 26 जुलाई मध्यरात्रि से पूर्ण कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू करने के आदेश दिए हैं। जिला उपायुक्त KC चमन ने बताया कि इस क्षेत्र की 41 ग्राम पंचायतों तथा नालागढ़ एवं बद्दी नगर परिषद में पूर्ण कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त क्षेत्र में 26 जुलाई की मध्यरात्रि से 28 जुलाई की प्रातः 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। पेट्रोल पंप, रसोई गैस, तेल एजेंसी तथा इनके गोदाम एवं इनसे संबंधित परिवहन गतिविधियों का भी इस अवधि में बंद रहेगी। श्री चमन के अनुसार इस अवधि में BBN क्षेत्र में तथा क्षेत्र के बाहर चिकित्सा एवं आपात परिस्थितियों को छोड़कर अन्य सभी तरह के आवागमन पर पूर्ण रोक रहेगी। जोगिंदरनगर पुलिस ने शातिरों के मंसूबे पर फेरा पानी, ऑनलाइन फ्रॉड का केस 4 दिन में सुलझाया। जोगिंदरनगर पुलिस 4G से भी फास्ट निकली और महज 4 दिन में ऑनलाइन ठगी और लोगों को लूटने वाले शातिरों को बेनकाब कर उसे लूटी रूशी वापस ला दी है। बताया जा रहा है कि शातिर ने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखकर जोगिंदरनगर के एक शख्स को फांस लिया और फेसबुक कॉल के जरिए अपनी पहचान आर्मी के सिपाही के रूप में बताई व पहचान पत्र भी दिखाए। ठग से पहले 3150 और फिर 15,500 रुपये की मांग की, जो पर अब ठग ज़्यादा पैसे की डिमांड करने लगा। इससे पीड़ित का माथा ठनका और उसने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि शातिर ने विजय बैंक हरियाणा के एक खाते से पैसे ट्रांसफर किए हैं। इस पर कार्यवाही करते हुए जोगिंदरनगर पुलिस ने शातिर को पीड़ित की सारी रकम। गाड़ी को वेल्ड करते वक्त लगी आग, ऊना में 2 कामगार बुरी तरह झुलसे, ऊना अस्पताल में भर्ती। वेल्डिंग करते वक्त गिरी चिंगारी से भड़की आग से 2 कामगार बुरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ऊना धर्मशाला मुख्य सड़क मार्ग पर दुकान में 2 कामगार एक गाड़ी को वेल्ड कर रहे थे कि उसमें अचानक आग लग गई। इससे दोनों के हाथ और मुंह बुरी तरह से झुलस गए हैं। इन्हें इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। डॉक्टर ने दोनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई है। हिमाचल में कोरोना से 12वीं मौत, IGMC में भर्ती थी। हिमाचल में कोरोना से 12वीं मौत हो गई है। महिला IGMC में भर्ती थी और नाहन के गोविंदगढ़ मोहल्ले की बताई जाती है। महिला अकेली थी और उसे किडनी की समस्या थी। 55 वर्षीय महिला का 18 जुलाई को नाहन में कोरोना टेस्ट किया गया था। 19 जुलाई को वह पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उसे शिमला के DU अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से IGMC रेफर किया गया था। बता दें कि गोविंदगढ़ मोहल्ले में कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। फसल बीमा योजना में टमाटर इस बार भी सरकार ने 31 जुलाई तक तय की आवेदन की मोहलत। चालू खरीफ मौसम में सरकार ने इस वर्ष भी टमाटर की फसल को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया है। कृषि अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार कौंडल ने बताया कि चालू खरीफ में ऋणी तथा गैर ऋणी किसानों द्वारा बीमा करवाने की अंतिम तिथि टमाटर के लिए 31 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। यह योजना गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों का वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमा कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए करवाएं पंजीकरण। उपनिदेशक उच्च शिक्षा धर्मशाला ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कई छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लेने के लिए विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार छात्र छात्राओं को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अधिक जानकारी के लिए आप कार्यालय समय के दौरान दूरभाष इन नंबरों पर फ़ोन भी कर सकते हैं।
निगमों बोर्डों के लिए वित्त विभाग के पैसे खत्म। घाटे में चल रहे सरकार के निगम व बोर्डों को उनकी मांग के अनुसार अब तक पैसा नहीं दिया गया है। वित्त विभाग ने इन्हें इनकार कर दिया है, जबकि रोजाना वित्त विभाग के चक्कर काटे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला मुख्यमंत्री के सामने भी लाया गया है, जिन्होंने वित्त विभाग को मदद के लिए कहा था, मगर वित्त विभाग ने आर्थिक हालतों का हवाला देते हुए इसे टाल दिया है। बिजली बोर्ड ने 250 करोड़ रुपए की डिमांड काफी समय से की है। इसके साथ पर्यटन विकास निगम के अधिकारी भी वित्त विभाग के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। 16,62,00,000 में 42 खनन पट्टों की नीलामी। कांगड़ा में 10 साल की लीज पर लगी बोली, 2 साल बाद इसे 10% बढ़ा जाएगी राशि। कांगड़ा की 42 माइनिंग साइट्स की नीलामी हो गई है। 16,62,00,000 रुपए में खनन पट्टों की यह प्रक्रिया पूरी हुई। 10 साल लीज के तहत ये साइट्स अलॉट की गई हैं, हालांकि 2 साल बाद संबंधित साइट पर 10% की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद राशि में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं की जाएगी। नीलामी से पहले 25% राशि जमा हो चुकी है, जबकि 16,62,87,843 रुपए सालाना जमा करवाने होंगे। इसके अलावा खनिज विभाग 10 नई माइनिंग साइट्स पर काम कर रहा है। और अब जानकारी मौसम विभाग से। अभी 4 दिन और कड़े तेवर दिखाएगा अंबर। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल में 4 दिन के दौरान मॉनसून कड़े तेवर दिखा सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत शिमला, मंडी, सोलन, सिरमौर और चंबा व कुल्लू में 4 दिन तक भारी बारिश होगी। 28-29 जुलाई को मैदानी इलाकों में भी गर्जन के साथ भारी बारिश होगी। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 31 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।